नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार पब्लिक जुड़ रही है, हम लगातार पब्लिक सर्वे की सीधी कवरेज आपको दिखा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल फैक्ट्स क्या हैं, असली सच क्या है उस संस्था का जिसके बारे में 4 साल पहले काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। आज भी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाएंगे। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मनीष जी, आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हैं? मेरे बच्चे 26 साल। कैसा माहौल लगता है? लड़कियाँ को लेकर, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कैसा? लड़के की सुरक्षा बहुत अच्छी है। आपकी फैमिली भी आती है? कभी भी आपने ऐसा माहौल देखा हो जैसा मीडिया में? नहीं, मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। मेरे से तो बहुत सच्चे हैं, सच्चे रहेंगे और देखना दुनिया भी देखेगी। उनका चरित्र कैसा? बहुत अच्छा है, उनका चरित्र बिल्कुल पाक पवित्र है। आपकी आस्था विश्वास के लिए? मेरा पूरी आस्था है, पूरा दृढ़ विश्वास है। मेरी आत्मा रहती है मेरे सदगुरु के लिए, देखना एक दिन जरूर। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आपको अपना गुरु बनाया? मेरा बदलाव तो सारे ही बदलाव एक सतगुरु के वचनों से आया। उन्होंने किया क्या लोगों के लिए, समाज के लिए? वो बहुत कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए। नशे छुड़वा रहे हैं, वैसे भर्ती छुड़वा रहे हैं। क्या मानव तो भलाई के इतने कार्य कर रहे हैं, इसलिए तो दुनिया हमसे 4 साल होने वाले। हाँ, 4 साल होने वाले अब गुरु जी नहीं मिल सकते। अब समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज के ऊपर प्रभाव ये पड़ रहा, दुनिया के देख लो कितनी तबाही हो रही है। पाप जुलम बढ़ रहे हैं, बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, नशे बढ़ रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। क्या जरूरत है सर? गुरु जी की बहुत ज़रूरत है। क्या अपील करोगे, क्या मांगोगे? बस यही अपील करूँगा, मेरे सतगुरु जी आ जाए। तो सजा किसको संत जी को ही मिल रही, समाज को भी मिल रही है। आपको कितनी? मेरे को तो जो बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक आपके सामने अपनी फैक्ट, अपना एक्सपीरियंस रख रही है। इनका यही कहना है कि कभी इन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था। फिर आखिर क्यों एक संस्था को, एक संत को जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो अलग बता रहे हैं और इस तरीके से सूत्रों के हवाले से बदनाम किया गया, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार पब्लिक अपना फैक्ट, अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख रही है। आप भी इन फैक्ट्स के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम।